आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बंद पड़ी एक मस्जिद की मरम्मत करवाकर सिख समुदाय के लोगों और संतों ने शुक्रवार को मुसलमानों को आमंत्रित कर नमाज शुक्राना का आयोजन कराया। ये मस्जिद लगभग 550 साल से भी पुरानी है। विभाजन के बाद ये मस्जिद बंद पड़ी थी, जिसे फिर से खोला गया है। इस मस्जिद से गुरु नानक देव की बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की अनगिनत यादें इस मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु नानक ने इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर सिख समुदाय ने बंद पड़ी इस मस्जिद को नमाज के लिए खोलने का निर्णय लिया और शुक्रवार को यहाँ सिख और मुस्लिम धर्म गुरुओं की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में धर्म गुरुओं ने अपने विचार साझा किए और फिर मुसलमानों ने नमाज अदा की। यहाँ हुई नमाज को शुक्राना नमाज का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में संत सुखदेव सिंह और संत बलविंदर सिंह शामिल रहे और उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपनी बातें साझा की। इस अवसर पर मुस्लिम विद्वानों ने भी गुरु नानक जी के जीवन पर अपनी बातें साझा की, जिनमें जमात इस्लामी हिंद पंजाब के अध्यक्ष अब्दुल शुकूर, मौलाना सैयद मुस्तबा यजदानी, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर इरशाद और अन्य कई विद्वान शामिल रहे। पंजाब के एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य इलाके मलेरकोटला से भी काफी संख्या में मुस्लिम और सिख सुल्तानपुर लोधी पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मलेरकोटला गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी अवतार सिंह ने बताया कि मलेरकोटला से इस कार्यक्रम में शामिल होने काफी संख्या में सिख और मुस्लिम गए थे। ज्ञानी अवतार सिंह ने कहा, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था जो मुसलमान और सिख दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। मुसलमान सालों से बंद पड़ी मस्जिद में नमाज अदा किए और सिख के लिए ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि गुरु नानक साहब ने यहाँ नमाज अदा की थी। मलेरकोटला से इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल हुए जमात इस्लामी हिंद पंजाब के अध्यक्ष ने कहा कि ये कार्यक्रम गुरु नानक साहिब के 550वीं जयंती पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा, ये मस्जिद किले के अंदर थी और समुदायों ने गुरु नानक जी के 550वीं जयंती पर इसे नमाज के लिए खोला क्योंकि गुरु नानक जी का इस मस्जिद से खास रिश्ता रहा है। जमात अध्यक्ष अब्दुल शुकूर ने कहा कि गुरु नानक देव ने लगभग 14 साल सुल्तानपुर लोधी में गुजारे। उन्होंने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। उन्होंने मुसलमानों को करीब से देखा था। उनकी बुनियादी शिक्षा भी मुसलमानों के इर्द गिर्द हुई। उनका करीबी साथी भी मुसलमान ही था। इस प्रकार सिखों और मुसलमानों का एक सौहार्दपूर्ण साझा इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सिखों ने पंजाब में बंद पड़ी कई मस्जिदों का पुनर्निर्माण करा के उसे मुसलमानों के हवाले किया है। सिखों और मुसलमानों की साझा संस्कृति और साझा विरासत पंजाब में अक्सर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 15 साल सुल्तानपुर लोधी में बिताए। माना जाता है कि यहीं उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने मूल मंत्र एक ओंकार का उच्चारण किया। यहीं गुरु ग्रंथ साहिब की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताते हुए जमीर अली कहते हैं, पहले मुसलमानों ने जुमा की नमाज पढ़ी, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका आरंभ कुरान की तिलावत से हुआ। कार्यक्रम में गुरु नानक और पैगामे इस्लाम के विषय पर डॉक्टर इरशाद ने अपनी बातें रखी। गुरु नानक और मानवाधिकार के विषय पर डॉक्टर शहजाद ने बातें साझा की। मौलाना सैयद मुस्तबा यजदानी साहब ने गुरु नानक और इस्लाम के विषय पर लोगों को संबोधित किया। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज़मैक्स के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़मैक्स को सब्सक्राइब करें।